नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया कानपुर टेस्ट मैच ड्रॉ पर छूट गया। हालांकि टेस्ट मैच पूरे 5 दिन चला और आखिरी ओवर तक मैच में रोमांच देखने को मिला। भारत ने दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 284 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन कीवी टीम 9 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। लेकिन आखिरी ओवरों में कीवी बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने भारत को जीत से दूर रखा। मैच ड्रॉ होने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने खुशी जाहिर की और टीम के खिलाड़ियों की प्रशंसा की। विलियमसन ने कहा, ये पूरा मैच अंत तक टच एंड गो रहा। कुल मिलाकर शानदार मैच हुआ। तीनों परिणाम अभी भी बाकी थे। हमने दिन भर बल्लेबाजी करने के लिए काफ़ी दिल दिखाया। रचिन, एजाज और सोमरविल के लिए कुछ शानदार अनुभव होगा। इस मैच को देखने के लिए यहाँ भीड़ का होना भी अच्छा लगा। जिन दो तेज गेंदबाजों टिम साउथी और काइल जेमिसन ने हमारे लिए अहम भूमिका दी, वो कमाल थी। दोनों की लंबे ओवर गेंदबाजी करना एक अविश्वसनीय कोशिश थी। हम जानते हैं कि भारतीय पक्ष बहुत मजबूत है। इस खेल में कुल मिलाकर अनुभव अच्छा रहा। हमें मुंबई में एक अलग तरह की पिच के लिए तैयारी करनी होगी। बता दें कि कानपुर टेस्ट के 5वें दिन भारत को जीत के लिए 9 विकेट की जरूरत थी, लेकिन पहले सेशन में कीवी बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया और भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाए रखा। पहले सेशन में भारतीय टीम कोई विकेट नहीं निकाल पाई, लेकिन लंच के बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की। दूसरे सेशन में भारत ने 3 विकेट चटकाए। आखिरी सेशन में भारत को जीत के लिए 6 विकेट चाहिए थे। रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटक लिए। हालांकि आखिरी ओवर में रचिन रविंद्र ने एजाज पटेल के साथ मिलकर भारत को अपनी 10वीं विकेट नहीं दी। भारतीय मूल के रचिन रविंद्र ने 91 गेंद खेलते हुए नाबाद 18 रन बनाए, तो उनके साथ एजाज ने 23 गेंदों का सामना किया। दूसरी पारी में अश्विन ने 3 विकेट और जडेजा 4 विकेट के अलावा अक्षर पटेल और उमेश यादव को भी 1-1 विकेट मिला, जबकि न्यूजीलैंड के लिए टॉम लॉथम ने सबसे अधिक 52 रन बनाए। उसके अलावा नाइट वॉचमैन विलियम समरविले ने 36 और कप्तान केन विलियमसन ने 24 रन बनाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।